हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रियास कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 तरह के वेज रोल की रेसिपी, जो कि आपके बच्चों को तो पसंद आएगी ही, साथ में अगर आप चीज़ लवर हैं, कॉर्न लवर हैं, तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप दोबारा से इसे ज़रूर से बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को सुप्रियास कॉर्नर में। तो सबसे पहले हमें आटे को तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैं मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो पूरा मैदा को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों की इक्वल क्वांटिटी रखी है। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, क्योंकि चम्मच थोड़ा छोटा था, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप आटे में नमक मिला लीजिएगा। और उसके बाद जैसे नॉर्मली हम आटा गूंथते हैं पानी डाल करके, वैसे हम इसके आटे को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं कि अगर आपके घर में रोटियां बच गई हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं, टेस्ट वैसा ही आएगा। तो हमें आटे को यहाँ पे बहुत अच्छे से गूंथ लेना है। आटा गूंथ चुका है, अब मैं इसे ढक कर के रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार हम इसे और अच्छे से गूंथ लेंगे, क्योंकि आटा जितना ही सॉफ्ट रहेगा उसकी रोटियां पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आटे को मैंने फिर से एक बार से गूंथ लिया है और हमारा आटा लग करके तैयार हो गया है। तो बस अब इसके बाद हमें अपने पराठे को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आटे को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूंगी, क्योंकि मैंने 6 पराठे का आटा गूंथा था। आप चाहें तो आटे को अपने अंदाज के अनुसार से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ 6 लोइयाँ हमें बराबर बराबर काट लेनी है और उसके बाद से इसके पराठे तैयार कर लेने हैं। अब लोइयों को करना है थोड़ा सा चिकना और उसके बाद चकले पर रख करके थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हमें इसे गोल गोल बेल लेना है। और इस तरह से 6 पराठे मैंने बेल करके तैयार कर लिए हैं। मैं इन्हें एक साथ ही सेकूंगी, आप चाहे तो 1 बाय 1 भी सेक सकते हैं, जैसे कि आप रेसिपी बनाइए। और अब चलिए इसे मैं सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे कास्ट आयरन का तवा मैं यूज कर रही हूँ, मैं नॉनस्टिक तवा यूज नहीं करती हूँ। तो बस इसी तवे पर नॉर्मली जैसे आप पराठा सेकते हैं, वैसे ही मीडियम फ्लेम पर इस रोटियों को पराठे की तरह हमें सेक लेना है। जिस तरह से हम पराठों को पलट पलट के सेकते जाते हैं, बस आप उसमें चाहे तो घी लगाएं या बटर लगाएं, आपके इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या लगा के सेकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने 6 पराठे को सेक लिया है। तो शुरुआत करते हैं पिज़्ज़ा रोटी रोल से। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, पैन में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, उसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने पहले ही क्यूब के शेप में काटा हुआ था, और 1/2 शिमला मिर्च है उसे भी मैंने क्यूब के शेप में काटा हुआ था, इसे भी हम डाल देंगे पैन में। तो भूनने का सेंस ये है यहाँ पे कि पिज़्ज़ा जब हम बेक करते हैं तो सब्जियों का कच्चापन हल्का सा निकल जाता है, यहाँ पे हमें बेक नहीं करना है, इसलिए बहुत हल्का सा हमें इसे सॉटे कर लेना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा कम हो जाए। और फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ लिया है 1 रोटी, रोटी पर लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और ऐसे कुछ मसाले डाल करके आप इस पिज़्ज़ा सॉस को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चीज़ को ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस पिज़्ज़ा रोटी रोल बन रहा है तो चीज़ तो मस्ट है। इसके बाद लगा देंगे जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग हमने तैयार की है। तो मेरे पास बहुत कुछ खास नहीं था, मैंने केवल प्याज और शिमला मिर्च फ्राई किया था। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इस पर कटे हुए टमाटर डाल दूँगी, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने इसे ऐसे डाला है। इसके बीजों को अलग करके टमाटर को मैंने क्यूब के शेप में काट लिया था। इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी पनीर, पनीर को भी क्यूब के शेप में कट कर लिया है। और इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और बस हमारा पिज़्ज़ा का टॉपिंग तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को और ग्रेट कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मेल्ट कर दिया था तवे पे ही कुछ सेकंड्स के लिए, और अब इसे रोल कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बच्चे इसे बहुत मन से खाएंगे अगर बच्चों को चीज़ पसंद है तो। तो बस हमारा पिज़्ज़ा रोटी रोल तैयार है। चलिए चलते हैं अब कॉर्न चीज़ रोल की तरफ। तो यहाँ पर फिर से पैन लिया है, पैन में डाल दिया है ऑयल, ऑयल में डाल दिया है
कटे हुए प्याज, प्याज को हल्का सा भून लिया, थोड़ा सा ज़्यादा भून गया था क्योंकि मैं किचन में थोड़ी देर के लिए हट गई थी। अब उसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और डाल देंगे शिमला मिर्च। यहाँ मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैंने कम रोटियाँ पराठे सेके हैं। इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद डाल देंगे कॉर्न चीज़ रोल का फेवरेट जो है कॉर्न, उसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी नमक और ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। फिर से हल्का सा हम भून लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए और बस थोड़ा सा डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स। यहाँ फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, अब इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद लेंगे सेके हुआ जो पराठा है वो डाल देंगे, थोड़ा सा मेयोनीज लगा देंगे, थोड़ी सी केचप लगा देंगे और उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। इसके बाद हमने जो कॉर्न का जो मिक्सचर तैयार किया है उसको लगा देंगे पराठे के सेंटर पे। थोड़ा सा चीज़ हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, पूरी तरह से ऑप्शनल है, और उसके बाद इसको रोल कर दिया है। तो देखिए हमारा कॉर्न चीज़ रोल बहुत ही टेस्टी रोल तैयार हो गया है। चलिए अब चलते हैं पोटैटो चीज़ रोल की तरफ। यहाँ पे मैंने फिर से पैन लिया है, पैन में डाल दिया है ऑयल। फ्रेंड्स यहाँ मैंने पराठे पहले ही सारे सेक के रखे हुए थे, आप चाहे तो वन बाय वन वन पराठा सेकिए और उसके बाद उस पर इसका मटेरियल तैयार करिए। इसमें डालने के हम तेल में डाल दिया जीरा प्याज, उन्हें हल्का सा भून लिया, फिर कटी हुई लहसुन डाल दी, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग, इन्हें भी हल्का सा भून लिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम उबले हुए आलू, तो पहले से उबाल करके आलू मैश करके रखे हुए थे वो डाल दिया मैंने, और इन्हें बस वैसे ही हमें भून लेना है जैसे हम किसी भी आलू के मसाले को तैयार करते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद डाल देना है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी आमचूर पाउडर, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स होने तक हमें भून लेना है। जितना अच्छा हम भूनेंगे आलू का मसाला उतना ही अच्छा तैयार होगा। इसमें डाल दिया थोड़ा से उबले हुए हरे मटर और फिर से इसको चला करके थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। चला करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आलू को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे फिर से हमने लिया है पराठे सेके हुए, सेंटर में डाल दिया है आलू का जो मिश्रण बनाया है वो, उस पर डाल देंगे थोड़े से पनीर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो पनीर डालें चाहे तो नहीं, थोड़ी सी रेड चिली सॉस डाल दिए, टेस्टी खूब लगेगा, तीखा लगेगा खाने में। चीज़ को ग्रेट कर लिया है और बस रोटी रोल तैयार है, इसे रोल कर दिया, टूथपिक से इसे सेट कर लिया, आप चाहे तो यहाँ पे बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स तीनों तरह के हमारे रोटी रोल तैयार हो गए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, अगर बच्चों को खाने का मन ना हो तो बिल्कुल ऐसे ही आप बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, बड़े भी खाते हैं, मुझे भी रोटी रोल बहुत ही पसंद है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।